जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैक्रोनी चीज नरगिसी कोफ्ते दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं, टेबल पे पहुंच चुके हैं। सिंपल सी रेसिपी थी बट बहुत ही मजे की है जब आप खाएंगे। तो मैक्रोनी चीज का जल्दी से रिकैप करते हैं। व्हाइट सॉस बनाया, 2 टेबलस्पून बटर में, 2 टेबलस्पून मैदा डाला, नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, जितनी भी सीजनिंग आपको कम ज्यादा चाहिए आप कर सकते हो। उसमें 2 कप या आधा किलो दूध डाला और उसको स्टर किया। जब हमने देखा अच्छा सा सॉस बन गया, उतार लिया। उतारने के बाद हमने चिकन टिक्का चंक्स ले लिए थे तकरीबन 1.5 कप, एक पीस के 2 टुकड़े कर लिए। बाजार से चिकन टिक्का मंगा लें, लेफ्ट ओवर मीट कोई भी आप ले सकते हैं और बिल्कुल बना सकते हैं। वो मीट आपने इसमें डाला। उसके बाद 2 शिमला मिर्चें थी जिसको क्यूब्स में काट लें, स्ट्रिप्स में काट लें। क्यूब्स में इसलिए काटा था मैंने कि सब एक जैसे साइज के हो जाए तो अच्छा लगता है। वो मिलाया, बॉइल्ड मैक्रोनी मिलाई और मिक्स किया। कॉलर से बात करती हूँ फिर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह पापा, मैं आमना बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना बोलिए। पापा आपकी रेसिपी बहुत जबरदस्त होती हैं और इतनी आसान होती हैं कि बिल्कुल ट्राई करने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। चले बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जी पापा आपसे 2 चीजें पूछनी थी मुझे। पूछिए। पापा वो अभी ईद आने वाली है तो हम पहले ही बल्क क्वांटिटी में जो है ना धनिया और हरी मिर्ची लेकर अपने पास रखते थे, तो अगर वो फ्रिज में रखते हैं तो वो उसमें भी खराब हो जाती है, अगर बाहर रखते हैं तब भी खराब हो जाती है, तो उसके कुछ आप टिप बता दें ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, ठीक है। आप पीस के रख के, आप पीस के रखना चाहती हैं या वैसे? नहीं मैं हरा धनिया, हरे धनिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं बता। और दूसरी बात ये पूछनी थी कि जब मैं भिंडी तलती हूँ ना फ्राइंग पैन में तो जो मसाला होता है वो आखिर में रह जाता है, भिंडी जाता नहीं है, रह जाता है आखिर में। कौन सा मसाला? भिंडी जब तलते हैं तो उसमें मसाला तो नहीं होता भिंडी? नहीं, मतलब उसमें नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया थोड़ा सा डालती हूँ ना तो वो आखिर में रह जाता है। अच्छा ठीक है, जवाब देती हूँ जी आपकी दोनों बातों का। देखिए भिंडी गोश्त बनाते हैं, भिंडी जरूर फ्राई करके डालते हैं लेकिन मैं नमक, लाल मिर्च और धनिया उसके फ्राई करने में नहीं डालती, खाली हम भिंडी को फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद उसमें गोश्त में डाल देते हैं। और जहाँ आपका सवाल था दूसरा, उसका भी यही है कि मुझे कान में यही आवाज़ आ रही है कि जी वाइंड अप, तो ठीक है इंशाल्लाह मुझे, मैं लिख लेती हूँ, कल मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।